ये जो अपना हैंडम मसाला है जी जी, ये मसाला के साथ इसको फ्राई करेंगे, जब पूरी तरह से अपना मसाला रेडी हो जाएगा जी जी। तो ये अपने धनिया है जी जी, बहुत बहुत ये हरी मिर्च। तो हाय दोस्तों, नमस्कार, आप लोग कैसे हैं, आई होगी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस समय की क्या मैं क्या बताऊं आप लोगों से, मेरी क्या परिस्थिति है इस समय, खेती किसानी में मैं उतरा हूँ और काफ़ी समय हो चुका है और हम कहाँ हैं खेत में है। और यहाँ पे पानी वानी लगाए हुए हैं अपने धान में और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ है दोस्तों। और अंडा पालती शाम हो गई है और रात भी हो गई है, तो कुछ दोस्तों को मैं बुलाया और यहीं पे पार्टी की तैयारी हुई। दोस्तों पार्टी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, कैसी हमारी रहन सहन है, कैसी व्यवस्था है, कैसे हमारे दोस्त लोग हैं, कितने और मेहनती हैं, मिस्त्री लोग भी आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग वीडियो के माध्यम से, आप बता दीजिए कि ये क्या है और यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे क्या बन रहा भारी। और भाई हेलो, क्या बन रहा है भाई साहब? ये सर अंडा बन रहा है, अंडा अंडा बन रहा है, ये ओनियन का ग्रेवी बना रहा हूँ अभी जी जी। और ग्रेवी बनाने के बाद ये जो अपना हैंडम मसाला है जी जी, ये मसाला के साथ इसको फ्राई करेंगे, जब पूरी तरह से अपना मसाला रेडी हो जाएगा जी जी। तो ये अपने धनिया है जी जी, बहुत बहुत ये हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची भी है अपने पास जी। और इसके साथ साथ बहुत सारा ग्रेवी रखा हुआ है और ये अपना खुद का अंडा उबाला हुआ है। खुद का है आपका? हाँ, अरे खरीदा गया है। अच्छा। तो ये अंडा उबाला गया है, उबालने के बाद इसको रख दिया गया है जी जी। और साथ में उसके साथ आलू भी लिया गया है जी जी। और बहुत सारा सामान परफेक्ट जमा हुआ है बेकायदे से, आप देख लीजिएगा। आप थोड़ा पास में आके देखिए, मैं आपको ग्रेवी दिखाता हूँ। सर ग्रेवी कैसी है? ये हमारी अभी ओनियन की ग्रेवी है जी जी, पक रही है। और जैसे ओनियन की ग्रेवी पकेगी तो खुद का ये मसाला डाला जाएगा, मसाला के साथ ग्रेवी पकाया जाएगा जी। और जब ये पूरी तरह से जब पक जाएगी तो आलू भी इसके साथ शामिल किया जाएगा। जब पूरी तरह से आलू शामिल हो जाएगा जी, तो खुद का जो अंडा ये है तो इसमें डाला जाएगा और आप उन लोग सब मिल के दोस्तों के साथ हैं। तो आप लोगों के दोस्त जो हैं तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारे सब सहपाठी लोग हैं और ये मेरे को खुद खाने के। भाई आप भी पार्टी में आए हुए हैं क्या? यस यस, मैं भी आया हूँ पार्टी में, आज पहली बार शामिल हुए पार्टी में इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप भी आए हुए हैं क्या? काफ़ी ज़ोरदार पार्टी दिख रही है और हमारे भाई साहब ने जैसा कि बताया कि बहुत टेस्टी बनाने वाले हैं। और देखिए ऐसा बना रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कढ़ाई में मसाला डालो, जो कढ़ाई है उसमें आग लग जाएगी। ऐसा मिस्त्री हैं, हालांकि बड़े लेवल के मिस्त्री हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने अंडे हो सकते हैं, आप खुद वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज इनको, और बनाने के तरीके जो हैं काफ़ी अलग हैं। और हमारे नाक में तो अभी तक मसाला का महक बहुत गुजरा है भाई, और देख सकते हैं कैसे बन रहा है ये। ये अंडा है, ये देख लीजिए फट गया है, अंडा भी फट गया, ये अंडा फट गया। जूम करके टाच दिखाओ भाई, टाच ये देखिए भाई, ये ग्रेवी है, ये ग्रेवी है, देख सकते हैं वीडियो में करिए थोड़ा सा, ये देखिए ये ग्रेवी है। और ग्रेवी के साथ में इसमें क्राम में आग भी लगा सकता हूँ, आप लोग बोलो तो लगा के दिखाऊं क्या? अरे अभी ना लगाओ भाई, हमको डर लगेगी। हाँ, तो अगर आप बने रहिएगा, तो आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको आग लगा के दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, पूरी तरह से आग लगेगी, दिखाऊं क्या आप लोगों को? नहीं, नहीं, नहीं। तो खाने के साथ मज़ा आएगा। और कितने आदमी हैं यहाँ? 10 होंगे लोग। हाँ, समथिंग 8-10 आदमी हैं जी जी जी। और ये माल करीबन 1000 रुपये तक का तैयार हुआ होगा? हाँ, ये समथिंग 1000 रुपये तक हो गया है। हाँ, कुछ सिंपल लोग हैं, कुछ अजीब लोग हैं जी जी। तो हर इसके साथ में और कुछ रहेगा कि सिंपल रहेगा? इसके साथ रहेगा साहब। क्या क्या? इसके साथ रहेगा ये जो पीने वाले हैं, तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये हैं, अपने चौबे जी हैं,
ये तो बियर लेते हैं सबसे पहले इनके लाने आया हुआ है। भाई 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 सही बात है या, या, या। सही बात है या। अरे अपने जवान से बताइए तो आपको क्या क्या बोला जा रहा है। सही बात है और जो हमारे सोनू जी है सोनू जी की पार्टी से सोनू को टॉर्च दिखाओ भाई और दिखाइए बस 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 तो ये इनका नाम सोनू है। हाँ ये हमारे सोनू जी हैं और ये टेंट हाउस है जी जी और ये सब इकट्ठा किए हैं अपने खेत में पानी लगाए हुए हैं धान में और यहीं पे हाँ तो यहीं पे कार्यक्रम रच दिया गया है इनकी तरफ से पार्टी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे कैसा यहाँ पे खाना बन रहा है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है कितने आदमी हैं कैसी व्यवस्था है किस क्वालिटी से बनाया जा रहा है कैसा स्वाद आएगा तो वीडियो के माध्यम से आप खुद ही देख चुके हैं कैसे कैसे लोग आए हुए हैं दोस्तों। मैं भी इनके साथ में आया हूँ और शामिल हूँ तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये सभी लोग हैं और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए वीडियो को लास्ट करता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए है ना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए हमारे इस भाई को और धन्यवाद।